देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि आज निर्वाचन आयोग ने मीडिया कर्मियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें निर्वाचन आयोग के सीईओ वी शनुगम ने बताया कि आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मीडिया के लोगों को बताया जा सके कि चुनाव के दौरान किस तरह की न्यूज या विज्ञापन पर प्रतिबंध है, उसको नहीं छापना है। इसके साथ ही पेड न्यूज के बारे में भी जानकारी दी गई है कि यदि वो कोई विज्ञापन छापते हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही प्रकाशित करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है।